दोस्तों मैं आ गया हूँ माय मास्टर जेड एटी के एपिसोड 7 के साथ। सो बिना किसी ज्यादा देर के चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे हीरो को देखते हैं, जो से इस तरीके से देखकर बोलता है कि क्या इसकी दो पर्सनैलिटीज हैं। यानी कि दोस्तों वो जो लड़की है ना वो एक ही है, लेकिन उसके अंदर दो पर्सनैलिटी है। उसकी एक छोटी बहन की भी पर्सनैलिटी है उसके अंदर। सो उसकी बात सुनकर जो हमारा हीरो वो बोलता है कि चलो पहले बाहर चलते हैं, बाद में तुम मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर देना। एंड उसके बाद हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो कब्र रखी हुई है। हम देखते हैं कि हमारा हीरो वहां पर आ चुका होता है। एंड हमारा हीरो जैसे ही उठता है वो दिखता है कि क्यून वहां पर बेहोश पड़ी हुई है। एंड उसे देखकर हमारा हीरो सोचता है, मुझे लगता है कि ये भी उन स्पिरिचुअल अटैक्स की वजह से बेहोश हो गई है। एंड उसके बाद हमारा हीरो उसे उठाने की कोशिश करता है कि उठ जाओ मोहतरमा। तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। एंड उसके बाद वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो कहती है कि मेरा बक्सा कहाँ पर है, वो बॉक्स जिसमें वो खजाना है उस लड़की का। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस लड़की से बोलता है कि उनसे ये एक ऐसी जगह है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खोजा था, है ना, और अगर तुम अपना मुंह खोलकर मुझसे मदद मांगोगी तो मैं इस मैकेनिज्म को तोड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और हाँ हाँ भैया, मुझे तुम्हारी फैमिली का भी कुछ नहीं चाहिए, समझी, लेकिन अगर तुमने मेरा इस तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की तो मुझे नहीं लगता कि तुम अपने आप को मेरे क्लाउड गेट का कोई भी मेंबर समझती हो, है ना, कोई भी हिस्सा समझती हो। एंड उसके बाद हमारा हीरो अपना सिर मोड़ लेता है एंड बोलता है वो बक्सा लो और यहाँ से चली जाओ और मुझे अपनी शक्ल फ्यूचर में कभी भी मत दिखाना, समझी। सो उसकी बातें सुनकर जो क्यून है वो थोड़ा शर्मनाक गिल्टी फील करती है। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस लड़की की तरफ आता है एंड बोलता है कि अब तुम भी उठ सकती हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की के हाथ धीरे धीरे हिलने लगते हैं। एंड उसके बाद वो लड़की अचानक ही उठ जाती है, उसके मुंह पर अभी वो कपड़ा रखा हुआ है। एंड ये देखकर क्यून बिल्कुल डर कर भाई ऐसी शक्ल बनाती है कि क्या ही बोलूं कि भूत आ गया भैया। एंड उसके बाद उसके शरीर में से उसकी आत्मा निकल जाती है, यानी कि वो बेहोश आ जाती है डर की वजह से। एंड उसके बाद उस लड़की के चेहरे से उसका वो कपड़ा है वो उतर जाता है। एंड उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो बोलती है यूशु कई हजार सालों से अपनी जगह से हिली भी नहीं है, इसी वजह से मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है चलने में या उठने में, कहीं जो मास्टर है वो सरप्राइज तो नहीं हो गए। यानी कि दोस्तों इस लड़की का नाम है यूशु। एंड हम देखते हैं कि ये लड़की कतई कैसा पोज मार रही है यार। एंड उस लड़की की बात सुनकर हमारा हीरो सोचता है कि क्या हजारों सालों से। एंड हमारा हीरो बोलता है यूशु क्या यही तुम्हारा नाम है, आखिर तुम्हारी बॉडी को क्या हो गया। हाँ सो जो वो लड़की है वो बोलती है पहले मेरा नाम लू यूशु था और मैं एक स्पेल मास्टर थी और मेरी बॉडी के अंदर मेरी बहन की भी स्पिरिट है। यानी कि दोस्तों तुम लोग समझ सकते हो कि एक मोबाइल फोन में दो दो सिम कार्ड। वो बोलती है और मेरी बहन का नाम लू शुशी था और मेरी बहन की बॉडी को कुछ बहुत ही ज्यादा बुरे लोगों ने जो मैजिक जानते हैं उन्होंने नष्ट कर दिया और अब हम दोनों की स्पिरिट मेरी ही बॉडी में है। देखा दोस्तों, बोला था ना एक मोबाइल में दो दो सिम कार्ड। सो उस लड़की की बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो तुम्हारी बॉडी में दो दो सोल्स हैं, तो आखिर तुम्हारे तुम्हारी बहन को रोका क्यों नहीं ऐसे खराब काम करने से। हाँ सो ये जो लड़की है ना यूशु वो बोलती है भले से ही ये मेरी बॉडी हो लेकिन मेरी बहन की जो स्पिरिट है वो मुझसे कई ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से वो मेरी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करती है। मेरी बहन का जो कल्टीवेशन लेवल है वो गोल्डन कोर स्टेज या फिर रियल पर पहुंच चुका है और मेरी ताकत QI कंडेंसेशन के सिर्फ तीसरे लेवल पर ही आई है। सो उसकी बातें सुनकर हमारा हीरो से पूछता है कि आखिर एक स्पेल मास्टर क्या है। सो वो लड़की बोलती है वैसे ऐसी चीजें इस दुनिया में यानी अर्थ पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है, मैं पहले आपको धीरे धीरे सबको समझाती हूँ। उसके बाद वो लड़की हमारे हीरो को एक्सप्लेन करने लगती है जो स्पेल्स होते हैं वो ऐसे बीस्ट की स्किन से बने होते हैं और उनमें ऑरा फ्यूज किया जाता है और इससे इसका उपयोग करने वाला जो यूजर होता है ना उसकी काफी पावर बढ़ जाती है और जब तक तुम्हारे पास सारे के सारे मटेरियल्स और स्पिरिचुअल जो पावर होती है वो काफी होगी ना तो ये किसी कयामत से कम नहीं होगी। लेकिन अब जैसा कि हम सभी देख ही रहे हैं कि ऐसे खतरनाक बीस्ट को मिलना लगभग नामुमकिन हो चुका है, इसी वजह से अब एक अच्छा स्पेल बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत होती है। एंड उसके बाद वो लड़की बोलती है मेरे बॉक्स में कुछ लो लेवल के चार्म्स हैं, इसी वजह से अगर आप चाहो तो आप उनका यूज कर सकते हो। सो ये सुनकर ना जो उसकी अंदर उसकी बहन की स्पिरिट है वो चिल्ला रही होती है, बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बकवास करती हो चुहिया। एंड उन दोनों को इस तरीके से देखकर हमारा हीरो सोचता है कि क्या तुम दोनों सच में बहने हो, क्योंकि तुम दोनों का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट है भैया, जुदा जुदा। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है एंड बोलता है तो तुम मेरा क्लाउड गेट ज्वाइन कर सकती हो और वहां पर मेरी मदद कर सकती हो और तुम्हें यहां पर रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की हमारे हीरो के पीछे चलने लगती है। हमारा हीरो बोलता है तुम मेरे साथ चलो और हम वहां पर बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलेंगे, ओके। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि कोई हमारे हीरो के ऊपर एक पर्ची चिपका देता है।
दोस्तों ये पर्ची नहीं है, ये एक चार मैजिक स्पेल है। सो हमारा हीरो तभी उसे नोटिस करता है कि अरे ये तो एक स्पेल है, एंड हम देखते हैं कि दोस्तों ये वही लड़की है। एंड मुझे लगता है कि लुशु की बहन लुशुशी ने उसकी बॉडी पर फिर से कब्जा कर लिया। एंड वो बोलती है, ब्रदर अभी अभी मेरी छोटी बहन ने कहा कि मैं उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकती हूँ, क्या आपको ये बात अच्छी नहीं लगी? एंड उसके बाद वो लड़की बोलती है, अब मुझे लगता है कि आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, और लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक आपकी बॉडी पर ये स्पेल चार्म है ना, तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और मुझसे प्यार करने लगेंगे बिना किसी संदेह के। एंड दूसरी तरफ हम हमारे हीरो की हालत को देखते हैं जो कि धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो का चेहरा देखते हैं जो कि कतई टमाटर की तरह लाल हो गया था। एंड वो सोच रहा था कि मैं अपने आप पर अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खोने ही वाला हूं। एंड उसके बाद हमारा हीरो देखता है कि वो स्पेल अच्छे तरीके से नहीं लगा हुआ है उसकी बॉडी पर। एंड उसके बाद हमारा हीरो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो गहरी गहरी सांसें लेना बंद कर देता है, शायद से दोस्तों उसकी बॉडी पर से उसका कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड उसके बाद वो लड़की हमारे हीरो के पास आती, हमारे हीरो का चेहरा पकड़ती है एंड बोलती है कि बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे बच्चे बनकर। एंड उसके बाद वो लड़की बोलती है हमारे हीरो को देखकर, तुम्हें इतने नजदीक से देखकर काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर सच में वो महान देवता है तो मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसे झेल पाऊंगी। अचानक हम दूसरे मूवमेंट में देखते हैं कि हमारा हीरो उस लड़की को किस कर लेता है। सो ये देखकर ना उस लड़की का चेहरा भी लाल हो जाता है। एंड उसके तुरंत बाद वो लड़की अपने आप को हमारे हीरो से दूर करती है। एंड उसके बाद वो लड़की हमारे हीरो से दूर होकर बोलती है कि क्या तुम्हें कोई शर्म वर्म नहीं आती? आखिर तुम मेरे साथ करने क्या वाले थे? हाँ, आखिर कोशिश क्या कर रहे हो मेरे साथ करने की? एंड उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसकी आंखें लाल, यानी कि वो थोड़ा गद्दार टाइप का बन गया है एंड उसकी बॉडी में से पावर निकल रही होती है। हमारा हीरो बोलता है, हे, मैंने अभी अभी तुम्हें किस किया, तो क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ? हाँ, अब तुम इतनी भोली भाली तो नहीं हो कि मुझे तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताना होगा कि किस के बाद मैं क्या करूंगा? एंड उसके बाद हमारा खुद इसी टाइप से बोलता है, कम ऑन बेबी, लेट्स स्टार्ट द शो। एंड वो लड़की बोलती है कि भैया ये पागल हो गया है। सो दोस्तों, हाँ, हमारा ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो गया। सो अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना। चैनल पर नए आए हो, अभी अभी एपिसोड देखा है, अच्छा लगा एपिसोड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस एपिसोड का तुम लोगों को फेवरेट पार्ट कौन सा लगा। ओके, एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।